फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप आपका पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 और विंडोज 10 को यूज़ कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो बहुत ही स्लो हो गया। आपका जो प्रोसेसर है i3 i5 है या कोई ड्यूअल कोर प्रोसेसर भी है, उस प्रोसेसर का परफॉर्मेंस जितना मेगाहर्ट्ज है ना, उतना मेगाहर्ट्ज परफॉर्मेंस अब नहीं मिल रहा है आपको। तो क्या कुछ करना होगा, आपका पीसी को बूस्ट अप करने के लिए, आपका जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर को बूस्ट अप करने के लिए आपको क्या कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर बेसिक 3 सेटिंग बोलने वाला हूँ। इस 3 सेटिंग अगर आपका पीसी में अप कर लिया तो आपका पीसी बहुत ही स्पीड अप हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा बहुत ही। तो ये 3 सेटिंग मैं यहाँ पर डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए देखते। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मेरा पीसी में आ गया और फास्ट स्टेप मैं यहाँ पर जो बोलने वाला हूँ ना वो है यहाँ पर, अच्छी जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर फास्ट स्टेप प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट, प्रोसेसर फास्ट स्टेप है, प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट। इसके लिए मुझे यहाँ पर कंट्रोल पैनल, आप देख सकते हो यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाके आप कंट्रोल पैनल यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो कंट्रोल पैनल लिखने के बाद कंट्रोल पैनल आ जाएगा और कंट्रोल पैनल में आपको जाना होगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर देखो और कंट्रोल पैनल में ऐसे करके आएगा, देखो यहाँ पर लार्ज कैटेगरीज ऐसे रहेगा कैटेगरीज, तो आपको यहाँ पर से कैटेगरीज में क्लिक करने के बाद लार्ज आइकॉन ऐसे क्लिक करना होगा। उसके बाद पावर ऑप्शन जाने के बाद बैलेंस, यहाँ पर देखो बैलेंस जो है ना, इस बैलेंस में चेंज प्लान सेटिंग यहाँ पर जाना होगा और चेंज प्लान सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखो चेंज एडवांस पावर सेटिंग यहाँ पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट आ गया, यहाँ पर इस प्लस ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा और देखो यहाँ पर मिनिमम जो है ना इसको यहाँ पर जीरो रख दो, यहाँ पर जीरो कर दो, मैं जीरो कर देता हूँ, हाँ जीरो कर दिया। उसके बाद जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम को आप 100% कर दो, मैक्सिमम बेसिकली 50% रहता है, तो मैक्सिमम को 100% कर दो। अगर 50% है तो आपको प्रोसेसर का पावर आपको नहीं मिलेगा, तो 100% कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर सारा कुछ सही है, उसके बाद अप्लाई एंड ओके करने के बाद देखो यहाँ पर ये था फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर बोला। और यहाँ पर सेकंड स्टेप जो मैं यहाँ पर चेंज प्राइवेसी सेटिंग में आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसके लिए आपको सेटिंग स्टार्ट ऑप्शन में चले जाओ। स्टार्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर सेटिंग आ गया, सेटिंग में क्लिक करो, मैं यहाँ पर 10 पे दिखा रहा हूँ। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर प्राइवेसी, देखो यहाँ पर प्राइवेसी कहाँ पर है, हाँ देखो यहाँ पर प्राइवेसी आ गया, इस प्राइवेसी को मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर जितना सारा ऑप्शन है ना इसको ऑफ कर दो, जितना सारा ऑन करके ऑप्शन है इसको ऑन कर दो। देखो एक एक करके स्पीच इसको भी ऑन कर दो और एक एक करके मैं फिर गेटिंग इसको भी ऑन ऑफ कर देता हूँ और सबको ऑफ करना होगा। लोकेशन मस्ट बी ऑफ, आपका लोकेशन कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। और इस बार कैमरा को ऑन कर दो, हर वक्त ऑन कर दो कैमरा को, माइक्रोफोन को ऑन कर दो और वॉइस एक्टिवेशन इसको भी ऑन कर दो, ऑन रखो। उसके बाद जितना सारा है ना सबको यहाँ पर ऑफ कर दो, मैं यहाँ पर फटाफट कर लेता हूँ, सबको यहाँ पर मुझे ऑफ करना होगा, मैं यहाँ पर फटाफट कर लेता हूँ, हाँ सबको मैं देखो यहाँ पर लगभग सबको कर लिया, डॉक्यूमेंट्स पिक्चर, हाँ ठीक है सबको मैं ऑफ कर लिया। ये था सेकेंड प्रोसेस आपको करना होगा आपका पीसी को स्पीड अप करने के लिए। और थर्ड प्रोसेस मैं यहाँ पर जो दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर ऑप्टिमाइज ड्राइव, आपका जो ड्राइव है पार्टीशन है उसको ऑप्टिमाइज करना होगा सी ड्राइव को बेसिकली। तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, सेटिंग में फिर से यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन में चले जाओ और स्टार्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखो सेटिंग में चले जाओ, फिर से सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा, देखो यहाँ पर इसके लिए पूरा सिस्टम फर्स्ट ऑप्शन सिस्टम में जाना होगा। और सिस्टम जाने के बाद यहाँ पर स्टोरेज जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर लेफ्ट साइड में, देखो यहाँ पर स्टोरेज में चले जाओ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो, थोड़ा सा नीचे चले जाओ, सही है। ऑप्टिमाइज ड्राइव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्टिमाइज ड्राइव यहाँ पर क्लिक कर लो और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर सी ड्राइव को मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप एक एक करके ड्राइव को सिलेक्ट कर लो और ऑप्टिमाइज यहाँ पर ऑप्टिमाइज में क्लिक कर लो, देखो एक एक ड्राइव को ऑप्टिमाइज कर लो, जितना सारा जो कुछ नजर है ना वही ए रहेगा और ड्राइव टोटली ऑप्टिमाइज हो जाएगा और स्पीड थोड़ा सा बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हो, आप देखो ऑप्टिमाइज होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, मैं यहाँ पर वीडियो को बहुत ही फास्ट कर दिया, मैं यहाँ पर पीछे जो है ना इसको ऑफ कर मिनिमाइज कर देता हूँ, अच्छी तरह सबको दिखा देगा। यहाँ पर देखो ये इसको मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, ये कुछ टाइम ले रहा है ऑप्टिमाइज होने के लिए सारा कुछ, मैं वीडियो को बहुत ही फास्ट कर दिया, अभी आप देख सकते हो, हाँ देखो ये टोटली कॉम्प्लीट हो गया। आप कोई भी और टाइप को भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर सी टाइप को सिर्फ ऑप्टिमाइज किया, उसके बाद यहाँ पर क्लोज कर दो और क्लोज करने के बाद ए 3 प्रोसेस अगर आप कर लेते हो आपको पीसी में
लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो आपको पीसी बहुत ही फास्ट पहले जैसा नहीं आएगा। इसके बाद रजिस्टर कर लो, देखो यहाँ पर रजिस्टर है, आपका पीसी को रजिस्टर कर लो, उसके बाद आपका पीसी बहुत ही स्पीड अप हो जाएगा, पहले जैसा था ऐसा नहीं होगा। बहुत ही आप फील कर सकते हो कि आपका पीसी पहले से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रन कर रहे हैं, सारा कुछ काम कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पर 50% आपका जो प्रोसेसर है वहाँ पर 50% दिया हुआ रहता है, इसलिए आपका प्रोसेसर काम नहीं करता है, 100% स्पीड से काम नहीं करता है। इसके लिए आपको वहाँ पर 100% करना होगा, और उसके बाद ये सारा कुछ सेटिंग जो कुछ मैंने सेटिंग किया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में, ये सारा कुछ स्टेप आपको आसानी से करना होगा। अगर ये सारा कुछ प्रोसेस आप कर लेते हो ना, तो आपको पीसी बहुत ही स्पीड अप हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा आपका प्रोसेसर, आप फील कर सकते हो। सो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही नेचर वीडियो है। तो अगर इस चैनल कांटे की न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।